आज का? इस फिल्म का नाम है दिल सच्चा चेहरा झूठा। फिल्म में चिंटू जी हीरो हैं और डबल रोल में चिंटू जी पहली बार मेरे ख्याल से डबल रोल कर रहे हैं, है ना सर। और जैसे कॉमेडी फिल्म होती है, जैसे राम और श्याम, जैसे जो आप लोगों ने अभी तक देखा है डबल रोल में, थीम तो एक ही तरह की होती है सारी कहानियों की, विषय थोड़ा नया होता है और फिल्म का कथानक जो है अलग अलग होता है, इसका भी डिफरेंट है। और इसकी पूरी शूटिंग हम लोग यूपी में कर रहे हैं, तो वहाँ का माहौल को साथ लेकर चले हैं इस कारण। और विशेष क्या कहूँ, अभी तो जब ठीक से शूटिंग शुरू हो जाएगी तब तो बताया जाएगा, आगे राज्य से पूछिए। नहीं, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है किसी गाने का? हाँ जी, गाने की रिकॉर्डिंग। तो उसके गाने का बताइए, कौन सा गाना है, कौन सिंगर उसका? उसमें चिंटू जी खुद गाना गा रहे हैं और प्रियंका गा रही है। सर, और कलाकारों के बारे में बताइए, आपने एक कलाकार भी बताया, एक्ट्रेस कौन होगी और कौन होगी? ये सब कुछ फाइनल होना बाकी है और 25 तारीख से शूटिंग स्टार्ट होगी, तब तक सब कलाकारों का नाम वगैरह सब हम बता देंगे, अभी नहीं बता सकते। फिर भी ये बताइए कि डबल रोल में पहली बार है, लेकिन क्या उसका जॉनर क्या रहेगा? कॉमेडी है, एक्शन है, किस तरह की फिल्म होगी? मसाला फिल्म है? पूरा मसाला फिल्म है, कॉमेडी एक्शन विद मैसेज, सोशल मैसेज बहुत जरूरी है फिल्म में देना जो इसमें है। जब तक शूटिंग नहीं होती तब तक उसके बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि फिर कहानी खुल जाएगी। और ये भी देखें, आज के दौर में जो फिल्म बनाने का जो बिजनेस है, कितना ज़्यादा असर पड़ा है लॉकडाउन के बाद से, खासकर भोजपुरी फिल्म की बात करें, कितना आसान या मुश्किल हो गया फिल्म बनाना और उसे रिलीज करना? मेरे ख्याल से भोजपुरी फिल्मों की जहाँ तक बात है, उसका दौर हमेशा चल ही रहा है। लॉकडाउन लगा, फिल्म उतने वक्त के लिए रुकी, पर वापस सबसे पहले भोजपुरी फिल्में ही बननी शुरू हुई, बाद में हिंदी फिल्में शुरू हुई। और आजकल भोजपुरी फिल्म की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री हमेशा चलती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। सर, सोशल वेलफेयर ट्रस्ट भी मेंशन क्या हुआ है और हर्बल आयुर्वेदा, उसके नाम बताइए कि उसका क्या एसोसिएशन है? ये इस फिल्म से जो भी कमाई होगी वो सारी की सारी हमारे ट्रस्ट में जाएगी, और ट्रस्ट के थ्रू हम लोग ऑल इंडिया में जिन गरीब लोगों को जो भी मदद की ज़रूरत है वो पहुंचाते हैं, दवाइयां फ्री में देते हैं, आयुर्वेद को हम लोग बढ़ावा देते हैं, ये इस फिल्म में भी है। और इसके माध्यम से समाज में जागरूक भी करना है कि आप लोग जो विदेशी दवाइयां लेते हैं, अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए, पर हिंदुस्तानी दवाइयों को भी आपको तरजीह देनी चाहिए। इसके लिए हमने ये ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सबको फ्री दवाई देते हैं। सर, आप कहना चाहोगे, आप कितने उत्साहित हैं फिल्म को लेकर? चिंटू जी की फिल्म है, तो आपका क्या कहना है प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहली बात है तो आदर्श जी बहुत सीनियर किसान हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस उनके अपने नाम का है, प्रोड्यूसर अर्चना जैन जी उनकी वाइफ हैं, डॉक्टर उनकी यामिनी जैन, और बहुत अच्छे तरीके से कुछ दिनों से प्लानिंग हुई कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसके अंदर सोशल मैसेज हो और एक ऐसा किरदार गढ़ा जाए जिसके थ्रू अपनी बातें कर पाएँ। तो नॉर्मली किसी फिल्म में एक किरदार होता है हीरो का, यहाँ डबल रोल है और दो किरदार हैं। एक तरफ से जिस तरह सिस्टम है हमारे यहाँ का, सिस्टम के तहत क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है वो, और दूसरा एक किरदार जो नॉर्मल होता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच अपने आक्रोश होती हैं और कॉमन इंसान सोचता है, सिस्टम तो वो करता है जो देखता है, बाकी चीज़ें जो चीज़ें बंधी हुई होती हैं, लेकिन सिस्टम और कॉमन मैन के बीच में एक बड़ा अजीब सा दीवार होती है कि किस तरह से अपनी बात को रखी जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी कहानी को गढ़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी और एक्साइटिंग होगी। डबल रोल में चिंटू एक जहां एक टिकट पर मतलब एक ही फिल्म देखी जा सकती थी, वहां मुझे लगता है दो शेर में चिंटू को लोग देखेंगे। और गाना भी मैं नीचे सुन रहा था, जो लाइनें मैंने सुनी है बहुत अच्छा लगा गाना मुझे। टीम बहुत अच्छी है, उसमें अनुप जलोटा जी भी इसमें बहुत एक्साइटेड है, उनका बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और सिनेमा तो फाइनली सिनेमा ही है। डबल रोल है और आपके लिए डबल खुशी का मौका होगा, कल चिंटू जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और आज उनकी फिल्म का मुहूर्त है, कितना कुछ प्राउड फील करते हैं सर? बहुत अच्छा लगता है, और ये जो परिवार है भोजपुरिया हमारा, हमारी जो इंडस्ट्री है वो चिंटू को बहुत प्यार करती है,
उनके साथ दर्शक जो हैं छोटे से उनको जब उनकी फिल्म आई थी दीवाना में बहुत छोटे थे तभी से दर्शकों ने बहुत प्यार किया। उसके बाद जब फिल्म आई देवरा बड़ा सतावेला जिसमें छोटे नटखट देवर की भूमिका में थे उस टाइम ही दर्शकों के बीच में परिवार परिवार में जब मुझे याद है कि मैं उनको लेकर प्रमोशन में जब गया था तो जो खासतौर मिली जो औरतें थीं वाकई गाल वाल चूम लेती थी और बहुत अच्छी तरीके से तो डे बाई डे ग्रेजुअली जिस तरह से उनका स्टारडम बना ये मैं इसके लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा आभारी हूँ मैं कि हर माँ बाप तो चाहता ही है कि चाहते हैं कि उनका उनकी औलाद जो है उनका बेटा जो है बहुत आगे बढ़े और हमारे साथ साथ जब पूरी इंडस्ट्री या पूरी आवाम जब आपको प्यार देती है और सबके सब चाहते हैं कि लड़का स्टैंड करे बहुत सारा उसको प्यार मिले और बहुत स्टारडम बड़ा स्टारडम मिले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कल जो अवार्ड शो हुआ था तो आयोजक ने अनाउंस किया था पवन जी भी आएंगे निरहुआ जी भी आएंगे और वो आए नहीं कितना कुछ आप लोगों ने मिस किया हो अगर वो होते शायद और बहुत अच्छा अवार्ड। बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो फंक्शन हो तो देखिए हमारे जितने भी एक्टर होते हैं ये अलग अलग रंग के मैं बार बार बोलता हूँ ये अलग अलग फूल हैं अलग अलग गुलाब हैं और इंडिविजुअली सब बहुत सुंदर हैं सबकी अपनी जगह है सबकी अपनी वैल्यू है और सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं तभी यहाँ तक वो लोग हैं लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है तो मुझे लगता है कि जहाँ मौके मिले वहाँ लोगों और हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कई लोग नहीं आ पाए उनकी शूटिंग बाहर होती है ज़्यादातर शूटिंग यूपी में होने लगी हैं बाहर शूटिंग होती है तो लोग व्यस्त भी होते हैं तो कई बार नहीं भी आते हैं लेकिन मुझे लगता है दिली तौर से तो हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बनता रहता है। सर ये भी कहना चाहूँगा योगी जी की सरकार बनी है फिर से यूपी में लखनऊ एक नया हब बना है भोजपुरी फिल्म का तो कितना सपोर्ट मिलेगा अभी सरकार बनने के बाद। देखिए पिछली सरकार जब उनकी थी तभी भी बहुत सपोर्ट था और मैं बहुत प्राउड करता हूँ बीइंग नॉर्थ इंडियन वहाँ का मैं हूँ और जिस तरह से वहाँ का सिस्टम है आज कहीं भी किसी कोने में उत्तर प्रदेश के आप शूटिंग करने जाओ मुझे याद है जब बाबा की मीटिंग यहाँ हुई थी बॉम्बे के अंदर और उसमें मैं भी था उन्होंने स्पेशली कहा था कि फिल्म बंधु जो है उसको कोई सरकारी दफ्तर नहीं बनानी है हम लोगों को ये आप सबका भी काम है कि इसको एक्टिव रखना है और उन्होंने एक्टिव रखा। अभी बनारस में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ एक डेढ़ महीना पहले उसमें हम लोग थे बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी की सरकार हमेशा मतलब पावरफुल रही है और अभी जब फिर से शुरू हुई और बहुत बहुत बधाई बाबा को एक और बार ऐसे सीएम हमारे उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं जो हर चीज़ में बहुत सारा इतना बढ़िया काम हो रहा है और ख़ास सिनेमा की अगर बात करें क्योंकि हम लोग सिनेमा से जुड़े हैं इससे पहले जब शूटिंग करते थे तो बहुत कम्फर्टेबल नहीं होते थे ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ हम लोग जाने के लिए कतराते हैं क्योंकि हमारे पास एक्टर होते हैं एक्ट्रेसेस होती हैं बहुत सारी प्रतिबंधिताएँ होती हैं अचानक अगर कोई चीज़ें घटना दुर्घटना कोई बनती है तो आप लेके भाग नहीं सकते हैं आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट होता है सामान होता है तो जब तक आप सुनिश्चित न कर लें कि आप जहाँ पर हैं वो आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल प्लेस है तब तक आप वहाँ शूटिंग तो करने नहीं जा सकते हैं तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप शूटिंग करने जाएँ कोई भी व्यवस्था हो इवन एक ऑफिसर जो हैं वो ऑफिसर बहुत मदद करते हैं और ये सर हमारे बैठे हैं जिनका मैं ये कहूँगा कि जितने वहाँ के भी लोग बहुत हेल्प करते हैं फिल्मों को मैं सैल्यूट करता हूँ सभी लोगों का। सर आपने संपत्ति आप भी इससे जुड़े हैं समय से मल्टीप्लेक्स में हर भाषा की फिल्म लगती है लेकिन भोजपुरी बहुत सारे मल्टीप्लेक्स में अभी भी नहीं लगती है कोई पार्शियलिटी होती है मल्टीप्लेक्स वालों की तरफ से क्या कारण है मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती है फिल्म नहीं नहीं अभी लगाना चालू करेंगे क्योंकि सिंगल स्क्रीन का भी बंद हुआ में लगेंगे अभी लोग अच्छी अच्छी पिक्चर बनाने लगे पहले क्या था कि थोड़ा ये है लेकिन अभी हम बहुत ही अच्छा सिनेमा बनने लगे लोग अभी सिनेमा फैमिली के लिए बनाने लगे तो अभी बहुत मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्स में चलने लगे। नहीं ये मैं इनके बात में बात और कहूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम वहाँ फेस्टिवल में मैंने बोली थी जैसे गवर्नमेंट ने शूटिंग की व्यवस्थाएं कर दी लोगों के आने जाने की बाकी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गया मुझे लगता है खाली एक डिसीजन लेने की और ज़रूरत है गवर्नमेंट को। आप जैसे महाराष्ट्र में है कई सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पर मल्टीप्लेक्स कंपलसरी है वहाँ के रीजनल फिल्मों के लिए मुझे लगता है अगर भोजपुरी के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए और मल्टीप्लेक्स कम से कम एक स्क्रीन कंपलसरी कर दिया जाए तो हम
हमारी फिल्मों का स्तर, हमारे मेकिंग का स्तर, हमारे स्टारडम का स्तर जो बाकी लोगों का, जिस तरह हमारे दर्शक और बहुत बड़े हैं, वो बहुत अलग बूम कर सकते हैं। मुझे लगता है उनका बेस्ट इंडस्ट्री हो सकती है भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन उसके लिए बड़ा स्क्रीन तो चाहिए ही होगा। ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल में 20-25 करोड़ का बिजनेस कर लिया कुछ दिन में, भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा ख्याल आएगा कि कम से कम 100 करोड़ तो बिजनेस होना चाहिए। सिनेमा हॉल सरकार जितना टैक्स लेती है ना हम लोगों से, ये नहीं कि सरकार को सिर्फ हमें देना ही है, हमसे सरकार टैक्स भी बहुत लेती है। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ का बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है और गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स जाता है उसका। अगर मल्टीप्लेक्स मिलते हैं, हमारे दर्शक और बहुत बड़े हैं, कई करोड़ में लोग देखते हैं भोजपुरी को, जो लोग मोबाइल में हैं, आप सोचिए ना, विदेशी जो सिस्टम्स थे हमसे बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस हैं, उनकी फिल्मों ने हमसे पहले मोबाइल पर आ गई थी, लेकिन आज भी कई मतलब मिलियन थे उनकी कमाई कि अब लोग फिर से अपने आप को मोड़ दिए पर्दे की तरफ। तो यही हमारे साथ जब होगा, ये जितना मोबाइल वाली जो बात है, जो जो व्यूज़ आ रहे हैं मतलब इन सब चीज़ों को, ये सब बहुत मायने नहीं रखते हैं। मायने तो तब रखेंगे सिनेमा, जब सिनेमा हॉल में देखा जाएगा तब उसका एक्चुअल स्टारडम बनेगा चीज़ों का। ये भी ओटीटी का चलन है, लेकिन ओटीटी पे भी जो दूसरे लैंग्वेज की फिल्में हैं या ओटीटी के बाद भी ये RRR को लोग देख ही रहे, कश्मीर फाइल को लोग देख ही रहे ना। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आपने वो पिक्चर दिया तो आप रिएक्शन दे सकते हैं कश्मीर फाइल के ऊपर? कश्मीर फाइल आपने देखा है? बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को फिल्म को देखनी चाहिए। अब जिनको लगता है कि इस फिल्म में ऐसी कोई बात है, गड़बड़ी है, मुझे लगता है वो सुनी सुनाई बातें कर रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, आप एक बार फिल्म को देखो, जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगी कि वाकई इसके अंदर क्या है। वो एक मुद्दा है, वो एक इंसिडेंट है, वो एक घटना हुई थी और उसी घटना को दिखाया गया। मुझे तो लगता है जिस तरह से चीज़ें हुई होंगी उसको भी काफ़ी हद तक छुपा के, चूँकि सिनेमा का अपना क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने दिखाई हुई है। और ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है या कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसी एंटी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसिडेंट्स है। और मुझे लगता है जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का मुद्दा आया, दर्शकों ने सर पर उठा लिया, दर्शकों ने देखना चाहा कि आखिर हुआ क्या था या क्या होता है हमारे प्रदेश, हमारे देश के अंदर। इसी तरह कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जब हिम्मत बढ़ेगी फिल्मों का, फिल्म मेकर्स का, तो ऐसे तमाम मुद्दे खोले जाएंगे और वो सब दिखाए जाएंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में और चिंटू जी के बारे में जो पहली बार आ रहे हैं डबल रोल में? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चिंटू जी का एक लाइफ का अलग इंट्रोडक्शन है। जैसे राजकुमार पांडे जी ने बताया कि वो फिल्म में एक अलग एक ही टिकट पर जो एंटरटेनमेंट करेगी। मैं इससे थोड़ा और आगे बात बोल रहा हूँ सर यहाँ पर जी, कि वो एक पब्लिक को डबल एंटरटेन का एक मौका मिलेगा उसमें, एक ही बात है। और जहाँ तक कहानी की बात है, कहानी तो और रिवील नहीं कर सकते, बट गाना जो हमने नीचे सुना, गाना अपने आप में लाजवाब, क्योंकि म्यूजिक का हर फिल्म का जान गाना होता है। एक गाने से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, गाने से भी देखते हैं, गाने से हमारी पॉपुलरिटी बढ़ती है, गाने के वजह से एंट्री भी करते हैं, जो हमारी बिजनेस बढ़ाती है। बिजनेस बढ़ेगा तो फिल्म मेकर्स भी आगे आएंगे। ये गाना बहुत अच्छा बना है, फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। डबल बहुत बेमिसाल एक इनकी सोच, आदर्श जैन जी की जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस फिल्म की जो जान होती है गाना होती है, गाने के साथ लोकेशन भी बहुत मायने रखता है, सर कहाँ होगा गाना? ये गाने का लोकेशन जैसे आदर्श जी ने बताया कि यूपी में शूट करने वाले हैं, और यूपी में अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या नहीं है, हमारे यूपी में हमारे जंगल है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, मैदान है, समतल है, सड़क है, हाईवे है, क्या नहीं, जिनता गिनती की रकम है। और सबसे अबव ऑल योगी जी हमारे, वो जो चाहे तो क्या नहीं कर देंगे सब कुछ। और इसलिए हमें जैसे राजकुमार पांडे जी ने बताया कि इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि हमारी फिल्म मेकिंग को ही नहीं बल्कि आगे जो एक इनका जो एक्सपेक्टेशन है उसमें बहुत ध्यान से गौर से सुना मैंने, कि जैसे फिल्म की बात, अगर जो थिएटर में भी कुछ कंपल्शन हो जाएगा कि मल्टीप्लेक्सेस आ जाएंगे उसमें एक थिएटर कंपल्सरी, उसमें रीजनल फिल्मों की तरह इवन ये सिस्टम इंडिया में नहीं, फॉरन में भी है। आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे फिल्म, वहाँ पे थाई फिल्म जरूरी है, मलेशिया में जाएंगे तो मलेशियन फिल्म जरूरी है। नियर बाई कंट्रीज में सिस्टम लागू है, हमारे यूपी में नहीं है। क्यों नहीं, हम इस बात पर चर्चा करने के बजाय, कई जगह नहीं है, कई जगह नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय जैसे राजकुमार पांडे जी को मैं समर्थन नहीं करूंगा कि हमें इस बात पर जोर देना, इस बात पर इकट्ठा होना है एक इशू पे, इस मुद्दे पे कि ये एक सरकार के ऊपर एक हमें एक उनकी संज्ञान मिला है कि इस चीज़ को एक ऐसा हो कि मल्टीप्लेक्स में कंपल्सरी हो जाए, तो हमारा स्तर जो यहाँ है 100 टाइम्स हम ऊपर रहेंगे, फिर हम करोड़ों की बात कर सकते हैं। भाई साहब ने पूछा तो हम करोड़ों की बात करेंगे, आज हम लाखों की बात करेंगे। फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा माध्यम होता है फिल्म को दिखाने का, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का जो होता है और फिल्म फेस्टिवल में प्रमोशन होता है वो कभी देखने को मिला नहीं, उसके से कभी कोई बड़ी फिल्म फेस्ट में गया, उसके अंदर वो कितना जरूरी होता है?
ये देखिए, जब आपका दायरा बढ़ता है, स्कोप बढ़ते हैं, तो सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जिस तरह अभी विवाह इन्होंने बनाई थी, प्रदीप जी ने, विवाह का हाईएस्ट टीआरपी रहा है चैनल पे, और जब भी टेलीकास्ट होती है उसका, उसी जैसे विवाह वन आई, विवाह टू आई, और तमाम फिल्मों ने बहुत शाबी काम किया। और अचानक इंडस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है फिल्मों का, वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग बैठे हैं, हम ही लोग, मुझे लगता है 98% जो मेकर हैं वो सब बहुत खूबसूरत पारिवारिक और अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर फिल्म बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। और लगभग सारे एक्टर इस कोशिश में है कि उनकी फिल्में और बेस्ट फिल्में हो। तो अब यही कि आप बना तो बहुत अच्छा लेते हैं, दिखाएंगे कहाँ। हमारे पास अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही कि हमने बहुत अच्छा बना लिया, 2-4, 10-20 सिनेमा, या मान लो बहुत कोशिश किया, कोई प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूटर, तो 40-50 सेंटर लगा लेगा। उतने में आपका ना तो लागत निकल पाता है, ना आप अपनी बातें दूर तक पहुंचा पाते हैं। जब एक साथ आवाम तक आपकी बातें पहुंचती, उसका असर कुछ अलग होता है। तो अब यह है कि जैसे मल्टीप्लेक्स है, मिनीप्लेक्स भी बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए, यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, बिहार जहां मतलब बहुत लंबा, बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है फिल्मों के कलेक्शन का, और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में अब तो जगह जगह देखी जाती हैं, कम से कम 2 स्टेट्स को तो कर देना चाहिए। यूपी बिहार के जो सिनेमा घर हैं, यहाँ कंपलसरी भोजपुरी को करिए, अगर सरकार, अगर लोगों के और सिस्टम में हमारे वहीं के लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं बड़े बड़े, वो मुझे लगता है 2-4% बाहर ही होंगे, वरना यूपी के ही लीडर हैं। बिहार में जो बैठे हैं बिहार के ही हैं, तो उनको क्या अपनी भाषा से प्रेम नहीं है? उनको प्रेम है, सिर्फ सिस्टम लागू करने की जरूरत है। इतना हो जाए कि और अच्छी फिल्मों को लगवाइए, आप उसमें क्राइटेरिया रखवा दीजिए कि अच्छी फिल्म नहीं है, दिखाने लायक नहीं है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है। अगर उसमें नहीं अपने क्राइटेरिया में फिर बैठ गई तो आप बिल्कुल मत दिखाइए। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के ये विनती है हमारी आप सबसे, आप सारे लीडरों से जिनके हाथ में सत्ता है, कि आप भोजपुरी को जगह दे दीजिए, हमें मल्टीप्लेक्स दिला दीजिए, एक स्क्रीन कंपलसरी का। एक बात है, देखिए पहले मराठी पिक्चर भी नहीं लगती थी मल्टीप्लेक्स में, ठीक है, जो राज जी ने किया, राज ठाकरे जी ने, उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि अगर मराठी पिक्चर नहीं लगाए तो आपके सिनेमा मल्टीप्लेक्स में कोई पिक्चर नहीं, चलने नहीं देंगे, चलने नहीं। वैसे हम लोग, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, उनको भी भले हमको 100 दे 200 दे, वो कंटिन्यू जैसे इन्होंने किया कि आपको बगैर मराठी पिक्चर आप नहीं लगाओगे तो आप सिनेमा नहीं चला सकते। ऐसे अगर वहाँ योगी जी और ये कर देंगे नीतीश जी, तो हमारे सिनेमा को बहुत कुछ, सिनेमा क्या है जी, आज हम 2 करोड़ का बनाते, कल 20 करोड़ का बनाएंगे। तो ये चीज़ें आज मराठी में देखिए ना, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की पिक्चर, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ की कमाई हो गई, 100-100 करोड़ की कमाई भी होती है। तो वैसे अगर योगी जी और नीतीश जी कर दें कि कंपलसरी कर दें, जैसे राज ठाकरे ने किया, तो ये भी कर दें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होएगा, और ये गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। गोस्वामी जी आपसे अनुरोध है, आप हिंदी में, मैं आज बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही थी अभी, राजी और प्रदीप भैया, आदर्श जी, सब लोग, मुन्ना भैया, सब लोग, मिश्रा जी कहाँ चले गए, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आज। और मैं आप सबके माध्यम से जो हमारी फिल्म जो है ये दिन, उसको दिल सच्चा चेहरा झूठा, और ये फिल्म हमारे फिल्म का मुहूर्त है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और जब राज जी और आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें छेड़ी है, तो मैं मेरे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ, और ये सब बैठे हैं डीएम त्रिपाठी जी, आप के माध्यम से और आपके माध्यम से आप लोग जरा सीरियसली सुनेंगे, पीले शर्ट वाले लोग, पीले शर्ट ये पीछे वाले सर, प्रणाम, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म बहुत ऊँचे पायदान पर है इस समय। भोजपुरी फिल्म में बहुत सारे स्टार हैं हमारे पास इस समय, दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह जी, चिंटू जी, खेसारी लाल यादव जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, और अपकमिंग स्टार भी बहुत सारे हैं। और कभी भी भोजपुरी फिल्मों में यूपी बिहार नहीं हुआ था, यूपी के आर्टिस्ट हैं या बिहार के आर्टिस्ट हैं, अब तक नहीं हुआ था। हमारे बिहार सरकार जो भी काम कर रही है, वहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। यूपी में योगी बाबा के मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनका अंधभक्त हूँ मैं,
और योगी बाबा के सभी काम का मैं सराहनीय कर बहुत तारीफ करता हूँ और वो सराहनीय कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसका टीम है, स्टोरी लाइन क्या है और कितने उत्साह से पहली बार डबल गोल्ड में दिखाई मिलेगा आपको, क्या सबसे पहले तो सभी भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चाहते और उनके अपने सभी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम है। और आज सोमवार के दिन महादेव बाबा के दिन आज बहुत ही खूबसूरत समाल होते हैं और जैसे के नाम आप सबके दिन और बार दिन सच्चा चेहरा जीता और आज शुभ मुहूर्त बना और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में हम सब आई बन गया। चूँकि पहला बार डबल रोल वाली फिल्म करने जा रहा हूँ, इसके जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं आदर्श जैन जी, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है, निर्देशन किया है, कई बेहतरीन फिल्में हमारे सिनेमा जगत को हमारे दर्शकों को दिया है। भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही अहम और बहुत ही मजबूत कड़ी हैं वो आदर्श जी, हमेशा जब भी कोई फिल्म बनाते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे फिल्में वो बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं, लोगों को अच्छी फिल्में देने का प्रयास करते हैं, जो प्रयास हम सभी का रहता है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और उसी कड़ी में पहली बार मैं आदर्श जी के साथ फिल्म करने जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, बहुत ही नायाब और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा, एक पुलिस वाले के किरदार में है और एक उतना ही टोटली अपोजिट, लेकिन बहुत ही कमाल का है। जो पूरी फिल्म का जो ट्रिक एंड गेम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इससे ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वही उसका मज़ा है, उसका जो थ्रिल है, उसका जो एंटरटेनमेंट है, जो फन पार्ट है, जो इमोशन पार्ट है, जो रोमांटिक पार्ट है, वो सारे चीज़ें बहुत खूबसूरत से, बहुत खूबसूरती से उसको बढ़ा हुआ है आदर्श जी ने, क्योंकि कहानी भी उनकी है। और जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी अच्छे, और जितने भी लोग इस फिल्म के लिए हमसे पहले जो टेक्नीशियंस हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जितने भी मीडियाकर्मी भाई यहाँ पर आए हैं सबको दिल से तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस फिल्म के शुभ मुहूर्त पर। आप सबके चेहरे जब भी देखता हूँ तो अंदर से बहुत खुशी होती है कि क्योंकि चूँकि दो साल हम लोगों को काफ़ी दूरी हम लोगों में रहा तो कोरोना के चलते, महामारी के चलते आप सबसे मोहब्बत नहीं कर पाए, मिल भी नहीं पाए, दो चार चुम्मा मतलब गले वाले भी नहीं लग पाया, थोड़ी सी दूरी रह गई तो वो अभी हम लोग मिल गए तो पूरी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर खासकर, और ये जो मुहूर्त होते हैं ये बेसिकली मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात होती है कि फिल्म को जब शुरू होनी होती है वो होती है वो आप सबके आशीर्वाद और जितने भी भोजपुरी दर्शक हमारे जो भोजपुरी भगवान स्वरूप जो दर्शक हैं जिन्होंने अपने चिंटू को इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, सिनेमा करने का मौका मिल पाता है, इस ये सौभाग्य मिल पाता है कि मैं फिल्म में, मुझे लोग बोलते हैं कि आप फिल्म करिए, फिल्म कर पाता हूँ, सिनेमा कर पाता हूँ लोगों के लिए और अच्छी अच्छी फिल्में कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ करूँ, लेकिन इससे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब सब लोग मिलते हैं ऐसे अवसर पर, आप सब लोग मिलते हैं हमारे, मेरे देखिए मेरे बगल में बहुत ही प्रिय मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन हमारे इंडस्ट्री के, इनको तो इंडस्ट्री की तरह मानता ही नहीं हूँ, मेरे छोटे से बड़ा हो गया इनको देखते हुए, इनको देखते हुए सभी को, इनके साथ रहते हुए, इनके गुणों को, इनके अवगुणों को दोनों को सीखते हुए समझते इनको देखते हुए हाँ हम भी बड़े हुए, आप भी बड़े हुए ना, इनको देखते हुए पता नहीं कितने बड़े हो गए। और चेहरा झूठा टाइटल में ही जितना दम है कि दिल सच्चा होना भी चाहिए इंसान का, भले ही चेहरे पर बनाती कौन आ जाए, तो इसमें हीरो का चयन भी उसी हिसाब से निर्देशक ने किया है, निर्माता ने किया है। आदर्श जी के साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत पहले से रहे हैं, मैं जब स्ट्रगल करने मुंबई आया था तो इनके यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता था, अपने दरवाजे के अंदर लेते नहीं थे, बाहर रखते थे हमें, हर रोज इंतजार करवाते थे कि खुश है। हमने भी एक दिन सोचा था आज बोल दो, इनको तो मालूम ही है कि मैं भी वो दिन लाऊंगा जिस दिन आदर्श जैन जी मेरा इंतजार करेंगे कि ये आता है कि नहीं आता है, या आदर्श जी को मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये था। लेकिन आज हमारा प्रेम इतना बढ़ गया कि ईश्वर ने आज आदर्श जी को एक मकाम दे दिया, अच्छा घर दे दिया, अच्छा जीवन शैली है, भाभी जी अच्छी है जो निर्मात्री है हमारी, और फिल्म एक इनके ज़िंदगी के अभी तक की है उस जोन जो मिथुन चक्रवर्ती के जोन के बाद भोजपुरी जोन में एक सबसे बड़ी फिल्म है। और सबसे बड़ी दुआ मैं देता हूँ कि तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं वो हम सब सिर्फ कलाकार है। बड़े बड़े कलाकार हैं, कोई कलाकार नहीं है, काम करते हैं अपना अपना, जिसको जब मौका मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही अपनी बात से शुरू की थी कि हम लोगों को सौभाग्य मिल जाता है कि हम लोग एक खूबसूरत सिनेमा के हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो सिनेमा अपने आप खूबसूरत बन जाता है,
लोग जब अच्छे लोग जुड़ते हैं, मैं होता हूँ, मेरे साथ इतने अच्छे कलाकार अवधेश जी हैं, क्योंकि केके जी भी अब इस फिल्म में जुड़े हैं, जितने भी कलाकार हैं, जब अच्छे कलाकार का चयन होता है, जब वो जुड़ते हैं और वो मेकर के हाथ में होता है, जब उनके अपने डिसीजन होते हैं, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, जब वो चुनते हैं अच्छे लोगों को तो एक अच्छी फिल्म ऑटोमेटिकली निकल के आती है। तो बस आप सबसे बस यही आशीर्वाद का कामना रहेगा कि आप सब लोग दुआ करें, आशीर्वाद दें, ये फिल्म बहुत जल्द शुरू होने वाली है, अच्छे से इस फिल्म की शूटिंग हो और आप सबके सामने। सर मेरा एक सवाल आपसे है जी, कल मैं अवार्ड शो में था, मैंने एक आप जो परफॉर्म किए थे आप बहुत आप रहे थे, हाँ इतने भावुक हो गए कि ऑडियंस से बात करने के लिए आपसे आपसे बात कर रहे थे जी, वो एक अलग रूप देखा मैंने, एक भावुक रूप देखा आपका, आज एक रूप देखा हूँ थोड़ा एग्रेसिव, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, नहीं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से रूप को मैं ये जो दो भावुक रूप से देखा था, दो चेहरे देख रहे थे ना, मैं रियल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने आपको एक भावुक रूप देखा था और आज एक एग्रेसिव, कल आपने दिल देखा था, चेहरा देखा था, आज सर बताइए मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप कल मिलेंगे तो आप मैं आपको उतना ही चुम्मा और उतना ही प्यार करूंगा, कल मैं रोमांटिक मूड में आपको नजर आऊंगा, क्या हम लोग कलाकार लोग हैं एक्टर्स हैं, और स्पेशली मैं आपको सच्चाई बताऊं, कल चूंकि वो जो मंच था, और जब भी कोई सम्मान की बात आती है, जब किसी भी सम्मान या अवार्ड फंक्शन की बात होती है, तो हम लोग जब हम उस मौके पर अगर वहाँ उपस्थित होते हैं तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि जब भोजपुरी के प्रति जब कोई भी सम्मान ये कदम पे उठा रहा है और मुझे अगर बुलाया जाए उसमें, तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँच जाता हूँ कि ताकि जहाँ भोजपुरी के सम्मान की बात है अगर उसमें मेरा थोड़ा सा भी योगदान कुछ हो पाए तो मैं उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहता हूँ। और कल आप सब लोग वहाँ पर थे, वहाँ परफॉर्मेंस भी हुए, कई अवार्ड भी बटे लोगों को सबसे मिले, और साथ ही साथ आज जब छुट्टी में आया तो मैं हम लोग एक दूसरे गठन पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे मैं और अवधेश जी, और आते ही मैं अलग ख्याल में था और तब तक आप लोगों को मुद्दा दूसरा शुरू हो गया कि जब लोग डिवाइड करने लगे, तो मैंने बोला कि जब इन्होंने अपना दर्द बता दिया, ये सेम दर्द हमारा भी है, इनका भी है, हम सबका वही दर्द है, और हम लोग कई समय से उसी बात पर गंठन कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं डिस्कस। मैं बाहर इंटरव्यू करता जब अवार्ड बोला था, मैं बार बार अवधेश जी सुन रहा था, सर आपको कितने अवार्ड मिले वो जानना था। सर मुझे पहली बार अभिनेता का अवार्ड नहीं दिया, मैंने भी एक गुस्ताखी की थी इंडस्ट्री में, गुस्ताखी जैसे योगी जी गुस्ताखी की है कि बिहारियों को काट दिए, मैं भी निर्देशक से करके एक सिनेमा का डेब्यू तो था नहीं, मैं उसके पहले ही दिल्ली में बना चुका था, तो मुझे जो अवार्ड दिया गया डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया, मेरी फिल्म से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उनको दिया गया, देव सिंह जी को जुगनू के लिए, नीलमगिरी की हमारी बाबुल की हीरोइन है बाबुल के लिए उनको बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। मुझे पहली बार हमारे फिल्मी इतिहास में मेरे जीवन में ऐसा कोई साल नहीं हुआ, कोई अवार्ड नहीं हुआ जहाँ मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कलाकार का मिला, पहली बार कलाकार से मुझे वंचित रख दिया गया निर्देशक का अवार्ड के लिए। मैंने बाबुल की पूरी देखी है और आप कहना गुस्ताखी है, ऐसी कौन सी और गुस्ताखी करने वाले हैं, कोई है लिस्ट में नाम बाबुल जी की और कोई है नाम? अभी क्या है ना, सिस्टम से करके गुस्ताखियाँ की थी, अब सिस्टम के साथ मिलकर गुस्ताखी करूँगा, और सिस्टम क्या है मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया। नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं करते हैं, आप जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सिस्टम हम सभी से है और सिस्टम हमारे लिए है, तो हम सब जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कई बार अचानक से दर्द है तो निकलता है और कोई बात नहीं है, और इसका भी निवारण होगा जब मेकर्स लोग चाहेंगे, हम सब एक ही है, ऐसी ये सब धारणा क्लियर करूँ, मैंने जो निर्देशन की बात करती हूँ, वो निर्देशक एक अभिनेता था, वो कोई हम निर्देशक बन के जीवन में नहीं आया, निर्देशक बनने के ख्याल से मैंने निर्देशन नहीं किया, एक अभिनेता का आक्रोश जो था, एक ये भी उनका दर्द था अपने किरदार, बाबुल भी उनका दर्द था कि जिस तरह के किरदार, हाँ जिस तरह के किरदार चाहता हूँ परफॉर्मर करे, या जिस तरह की फिल्म का निर्माण इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता, रियलिस्टिक फिल्म, हम केवल मसाला फिल्म और कमर्शियल एस्पेक्ट को, रियलिज्म एक कमर्शियलिज्म नहीं है क्या, यथार्थ में अर्थ नहीं है क्या, है लेकिन उससे काट दिया गया है कंप्लीट, ये कह के कि पब्लिक यही चाहती है, पब्लिक यही चाहती है, शायद पब्लिक वो चाहे, लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं तो पब्लिक आईना है, उसको आईना दिखा दो कि भाई ये भी दुनिया है, ऐसे भी फिल्में बनती हैं। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पूरी फिल्म देखी थी और लास्ट में दोनों जो लड़कियाँ थी तो मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था आपसे, सर वही सोल्यूशन था बनने वाला, दो लड़की कोई और सोल्यूशन फिल्म करनी है, जो परिवेश था ना उस परिवेश में हमेशा
यही सुनी से निकला है हमेशा। इस परिवेश में आपने उस पूरी फिल्म को देखा है, जहाँ की वो कहानी है, जो कथानक है, उसमें यही सोल्यूशन हमेशा रहा है और अब कब तक रहेगा मालूम नहीं। हमने एक पढ़े लिखी लड़की को भी उस तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट करते हुए दिखाया है, क्योंकि उसका अंत हो ही नहीं सकता। दर्द में दर्द ही उसका अंत कर सकती है, बाकी दर्द खुशी की राहत उसको नहीं कर सकती। अलविदा लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो म्यूजिलेटर है उन सारे जाना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे कंटेंट किंग है आज के जमाने में, स्टार की वैल्यू नहीं रही है अगर देखा जाए उसके साथ। नहीं, वो सिनेमा से बाहर कोई स्टार होता भी नहीं सर, और हिंदी इंडस्ट्री इसको बहुत पहले ही तय कर चुकी है। वहाँ स्टार का है अक्षय कुमार एज एन एक्टर, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं तभी वो इतने बड़े स्टार बने हैं। वो इंडस्ट्री वैसे ही बन चुकी है अलग, और वो सिनेमा एक सिनेमा नहीं रह गया है, वो एक सोच बन गई है, जिस सोच को लोग अभी तक भूल चुके थे उस सोच को पुनर्जीवित किया गया है। तो वो फिल्म कोई शक नहीं है कि आप देखेंगे तो अपने आप को उस पीरियड में ले जाएंगे, आपको लगेगा कि ये वैक्यूम जो था जानकारी ना होने का, ये कितना बड़ा अपराध था जो सरकार की तरफ से, बीते सरकार की तरफ से किया गया था। तो उस अपराध को, अपराध बोध हमें भी होता है, हमारे बगल में कोई कश्मीरी पंडित होते हैं और मेरा अपना पड़ोसी है, वो भी अपनी कहानियाँ सुनाता था, तब भी मुझे लगता था कि ये इतनी बातें नहीं होगी जितनी बातें ये बता रहा है। लेकिन सिनेमा ने ऐसे सोच बदली है सबकी कि वो सब बातें, उसकी बातें रील के जैसा चलना शुरू कर गया है। वो औरत कहते कहते मर गई है जो मेरे पड़ोसन थी, कि मैं कश्मीर में ही जाना चाहती हूँ, लेकिन ईश्वर ने उसको बॉम्बे में ही छीन लिया। तो सोच तो है सर, एक सोच को जिंदा तो कर दिया। क्या बोलता है, देखा है तुमने कोई? बिल्कुल हाँ। हर हर महादेव, हर महादेव।